उनको बताइए होगा जनरल अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसका अलग से पार्ट आता है, जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में ही हम चूक जाते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस का कोई भी अंत नहीं है कि इसका कोर्स इतना है, इसका सिलेबस इतना है, ये इसका टॉपिक है। तो मैं 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने प्रिपेयर की है। हर वीडियो में मैं आपको 200 क्वेश्चन बनाऊंगी, इस तरह से 5 वीडियोस में आपके 1000 क्वेश्चन कवर करूंगी। अब ये 1000 क्वेश्चन कौन से होंगे, जो बहुत ज्यादा आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं अभी भी और लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके चांसेस में फ्यूचर में भी ये पूछे जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन ल्यूसेंट बुक से ली है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जानते भी होंगे ल्यूसेंट एक बहुत ही फेमस बुक है जीके की, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो उनमें से ही मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज प्रिपेयर की है। जनरली आपने वैसे तो बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, या तो वो हिंदी में एक्सप्लेन की गई है या इंग्लिश में। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, अगर हिंदी में वीडियो होगी तो वो उनको समझ नहीं आएगी, और हिंदी में अगर कोई वीडियो नहीं है, इंग्लिश में है और हिंदी में पढ़नी है तो वो हिंदी वालों को समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। मेरी हर वीडियो में हर क्वेश्चन इंग्लिश में, उसका आंसर इंग्लिश में और फिर हिंदी में भी होगा, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम को मैं लेके चली हूँ। तो स्टूडेंट्स दोनों मीडियम के, दोनों हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट्स ये कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक और एडवांटेज क्या है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का लिया है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से हिंदी में हमें पता होते हैं लेकिन इंग्लिश में कुछ अलग ही मीनिंग होते हैं और हमें समझ नहीं आते। चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हिंदी में बहुत कॉमन है, आपने सुना है, लेकिन इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। सेम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, हिंदी में कोई चीज हमें पता होती है लेकिन इंग्लिश में पता नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको वो पेपर इंग्लिश में आ गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ लेकिन आपको हिंदी में पता है, तो फिर आप कैसे उसे पहचानेंगे। तो इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको दोनों ही लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल नेम वगैरह होते हैं तो हिंदी आपको बिल्कुल प्योर हिंदी और उसकी एकदम प्योर इंग्लिश आपको दोनों ही पता चलेगी, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताई है। अच्छा, अब आप लोग सोच लोगे ये तो आप लोग वैसे तो आप बुक में भी ये पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की बुक बहुत फेमस है, लेकिन कहते हैं ना पढ़ने से ज्यादा सुनने और देखने में ज्यादा समझ आता है। तो यकीन मानिए आप मेरी इस वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ ऐसा नहीं हो सकता, आपने पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा देखने और सुनने से, पढ़ने से ज्यादा। और पढ़ना बोरिंग भी लगता है और देखना और सुनना बोरिंग नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसी पर्पज से ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट एंड एनी वीडियो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज बीन इनलाइटेंड, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। व्हाट इज द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन मेन लैंड, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी। द सन राइजेस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है हिंदी में भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि लास्ट में किस राज्य में निकलता है तो इसका आंसर होगा गुजरात। इंसुलिन यूज टू क्योर विच डिसीज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायबिटीज। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, हिंदी में डायबिटीज को बोलते हैं मधुमेह। व्यू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। देखिए आपको जितने भी फेस्टिवल हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। या फिर डांस, जैसे कि जिस भी डांस मतलब लोक नृत्य जिस भी वो स्टेट का है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक जो देखा गया है।
तो यहां पर मैंने व्यू पूछा है जिसका आंसर है आसान। विच विटामिन इज फाउंड इन गूसबेरी, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन यानी कि चाइना। वॉट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा, सिद्धार्थ। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन, देखिए फिर से विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि जितने भी तरह के विटामिन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि कोई भी आपको डिसीज दे देगा, पूछेगा किस विटामिन की कमी से होती है, या फिर कोई भी विटामिन दे देगा और पूछेगा कि इसका रिसोर्स क्या होता है, या फिर अगर ये विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होगी, ऐसा भी पूछ सकता है। तो विटामिन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए। पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, फिर से त्यौहार के बारे में पूछ रहा है, तमिलनाडु। गिद्दा एंड भांगड़ा आर फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, देखिए अब डांस के बारे में भी पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था फेस्टिवल और डांस के बारे में, यानी कि लोक नृत्य और त्यौहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फंस ही जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो गिद्दा और भांगड़ा है पंजाब के, भंगड़ा तो बहुत फेमस है सबको पता है, और गिद्धा भी अगर केवल पूछे तो वो भी किसका लोक नृत्य है, किस राज्य का, पंजाब का, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं गिद्धा एंड भांगड़ा। हु हैज इन्वेंटेड टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जॉन लोगी वेअल्ट। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। फिश टेक्स द ब्रेथ बाय, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, यानी फिश ब्रेथ कैसे करती है, गिल्स, हिंदी में क्या कहेंगे गिल्स को, गलफड़ों। हु गिव द स्लोगन इन इंकलाब जिंदाबाद, बहुत ही फेमस स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। वेयर एंड इन विच डेट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। ये हुआ था अमृतसर में, और किस डेट को हुआ था, 13 अप्रैल 1919, यानी कि अमृतसर में 1919 में। आफ्टर लेफ्ट द कांग्रेस इन 1939 सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ग्रुप, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर हम इसे कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। हु इज नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय। हु हैज किल्ड सैंडर्स, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह। Who sacrificed his life firstly in 1857 revolt? 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, मंगल पांडे। Who was the first female governor of India? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल यानी कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर इंडिया की, सरोजनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट फीमेल इंडियन Who summited Mount Everest twice? Mount Everest पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। Who founded ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय। What is the real name of स्वामी दयानंद सरस्वती? ये आप लोगों को शायद ही बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें हम कहते हैं, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था मूल शंकर। Who said back to Vedas? वेदों की ओर लौट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती।
हु फाउंडेड रामकृष्णा मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद. When was Vasco da Gama भारत? When was Vasco da Gama भारत? ओह फोई क्या हो रहा है? When was Vasco da Gama came into India? Vasco da Gama भारत कब आया? 1498 AD में. Where did Vasco da Gama live? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था पुर्तगाल का. In which city हवा महल is there? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. Which guru is known as founder of Sikh religion? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इन सिख गुरु का नाम है गुरु नानक. Which is the famous festival of Sikh? फिर से फेस्टिवल की बात कर रहे हैं. सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी. हु इज नोन एज आयरन मैन? लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. हु इज नोन एज नेताजी? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस. कहते भी है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस. वॉट इज द नेम ऑफ समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन दिल्ली? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, यानी जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजय घाट. हु इज द राइटर ऑफ महाभारत? महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी. हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं. तो आपको ऑप्शन में हो सकता है कौटिल्य दिया जाए तो भी आपका करेक्ट है, और अगर आपको चाणक्य दिया जाए तो भी आपका करेक्ट है. हु हैज गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री. हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई. तो ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको पूछा जाता है. क्वेश्चन या तो ऐसे दिया जाता है, कोई भी आपको दिवस दे दिया जाएगा कि ये डे या दिवस किस दिन मनाया जाता है. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना है. या फिर कभी कभी दे दिया जाएगा, जैसे 8 मई दे दिया, इस दिन क्या सेलिब्रेट होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? देखिए वहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय, यानी जिस देश में सबसे पहले होता है वो होता है जापान. यहाँ मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है क्योंकि वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन होंगे तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देश है. तो जापान ही है वो देश जिसको सूर्योदय के नाम से जाना जाता है, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन. वेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? बहुत फेमस अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी ही निकल के गया है 8 मार्च. विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा. ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? अब फिर से देखिए एक और फेस्टिवल आ गया. ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरला. When Delhi has become the capital of India? दिल्ली भारत की कैपिटल है, दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी जानते हैं. लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कौन से सन में बनी? 1911 में. Which is the brightest planet? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह. What is the ratio of national flag? राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है जो वो बनाया जाता है? इसका रेशियो है 3:2.
हु हैज रिटन नेशनल सॉन्ग, यहां पर बात हो रही है नेशनल सॉन्ग, किसने लिखा है राष्ट्रीय गीत, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। हु हैज गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न, भारतीय कैलेंडर किस पैटर्न का पालन करता है, ये पालन करता है सका सांबत, सका सांबत, संबत आपने सुना भी होगा, ये संबत चल रहा है, ठीक है, तो सका संबत। पेसमेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, पेसमेकर किस अंग से जुड़ा है, देखिए यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो मेरे सारे उसमें आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मेरा ये कवर कर लेंगे 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो मैं बनाऊंगी तो आप ज्यादातर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेसमेकर किस अंग से जुड़ा है, हृदय यानी कि हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नाम है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ह्यूमन यूज्ड विच मेटल फर्स्टली, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसका प्रयोग सबसे पहले ह्यूमन ने किया था। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद लोकसभा, कौन सा लेख लोकसभा से जुड़ा है, आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकसभा का अनुच्छेद 81। व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख, 5 लाख। एस्ट्रोनॉट सी आउटर स्काई इन विच कलर, अंतरिक्ष यात्री बाहरी आकाश को किस रंग में देखते हैं, ब्लैक काला यानी कि उन्हें काला दिखाई देता है, लेकिन हम लोगों को पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है, ब्लू, और एस्ट्रोनॉट को ब्लैक, तो उसमें एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है तो उसका आंसर है ब्लैक। फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले भारत के किस शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी, कोलकाता। इन विच ईयर इंडियन रेलवे वॉज स्टेबलाइज्ड, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासतौर से रेलवे वालों के लिए, 1853, आपको पता होना चाहिए आप रेलवे में अप्लाई करने जा रहे हो कि इंडियन रेलवे कब स्टेबलाइज हुई, 1853। विच बजट इज यूज्ड इन इंडिया, भारत में किस बजट का उपयोग किया जाता है, इसका है जीरो बेस्ड बजट यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो शून्य आधारित बजट। Who was the first Indian astronaut? कौन सा पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। Where is the headquarter of International Court of Justice? International Court of Justice का मुख्यालय कहाँ है? ये है The Hague, Hague में। When we observe हिंदी दिवस? फिर से बात आ गई, हिंदी दिवस बहुत ही फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 सितंबर। Who invented rocket in India? भारत में रॉकेट का आविष्कार किसने किया? हैदर अली। Which Britisher has fought for Indian freedom against British Empire? British साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के लिए किस ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी थी? कौन था वो ब्रिटिशर? विलियम गोल्डन। Which country shares the land border with maximum country? कौन सा देश अधिकतम देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है, वो भी है चीन यानी कि चाइना। हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर, हैदराबाद नदी के किस तट में स्थित है, कौन सी नदी है उसके स्थित हैदराबाद में? मूसी नदी, मूसी, मूसी नदी के तट पर ये स्थित है। विच गैस इज मेनली फाउंड इन बायोगैस, ये भी 8th या 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, कौन सी गैस मुख्य रूप से बायोगैस में पाई जाती है? मीथेन, या फिर 6th, 7th, 8th में आपने पढ़ा होगा मीथेन। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब।
इन विच ईयर अमेजोन वॉज स्टेबलाइज्ड, इतनी फेमस कंपनी है, इतना ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, तो किस वर्ष में अमेजोन की स्थापना की गई थी? 1994। हु सेड स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने कहा था स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पहला हिंदी भाषा का अखबार था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी न्यूज लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर कौन सा प्रिंट हुआ था। इसका नाम था उदंत माल्टंड, उदंत माल्टंड। अवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी, बहुत फेमस जनरल साइंस का फिर से क्वेश्चन आ गया सिक्स क्लास का। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में मौजूद है? मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, और सोलर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। तो हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, वो आता है मिल्की वे गैलेक्सी में। तुलसीदास हैज रिटन रामचरितमानस इज विच हिंदी स्क्रिप्ट, तुलसीदास ने किस हिंदी लिपि में रामचरितमानस को लिखा था, कौन सी लिपि उन्होंने यूज की थी? अवधी। इंडिया हैज वॉन 8 times गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम, भारत ने किस ओलंपिक खेल में 8 गोल्ड जीता है? हॉकी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? लूसन, लूसने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो, अब देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक लोगो में मौजूद नहीं है? यहाँ पर तो मैंने आपको ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 4 मिलते हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो इनमें से जो कलर नहीं होता उसमें 4 दिए गए थे, और ब्राउन। तो आप ये याद रखिए, अगर ब्राउन कहीं भी ऑप्शन आता है कि कौन सा नहीं है ओलंपिक लोगो में, तो वो होता है ब्राउन। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ब्राउन को भूरा। ओलंपिक्स 2020 वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया जाना था? जापान। हु रोट फेमस सॉन्ग, हु रोट फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा, बहुत ही फेमस सॉन्ग है झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब लोगों ने सुना है, ठीक है। लेकिन ये मशहूर गाना किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता परसद, श्यामलाल गुप्ता परसद। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को फिल्टर करता है? किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुर्दा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? शहनाई, ये शहनाई बजाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज हिमाद्री, निम्नलिखित रेंज में से, निम्नलिखित रेंज में यहाँ वहाँ पर 4 होंगे, 4 में से किसको हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? ग्रेटर हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। मिड डे मील वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, मिड डे मील किस साल में शुरू हुआ था? 1995। जॉइंटिस इज एसोसिएटेड विच विच ऑर्गन, पीलिया किस अंग से जुड़ा है? लीवर, लीवर, ठीक है। किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो कौन सा पार्ट उससे अफेक्ट होता है? लीवर। लीवर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? कलेजी। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज स्टेबलाइज, किस वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी? 1975। तो जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, या फिर कहीं भी जो आपकी सॉफ्टवेयर की किसी भी की बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसका स्टेबलाइजमेंट भी वो पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोका वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क, अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित थे? उपगुप्त। इसका नाम क्या है? उपगुप्त। Which मुगल emperor was illiterate? कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? कौन सा मुगल बादशाह नहीं पढ़ सकता था? अकबर। हाँ, अकबर अनपढ़ था। Who has stabilized city अमृतसर? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? गुरु रामदास। Which of the following has started लंगर system in Sikh religion? निम्नलिखित में से किसने सिख धर्म में लंगर प्रणाली शुरू कर दी थी? अगेन आपको 4 दिए जाते हैं, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो है गुरु नानक देव, यानी कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म में लंगर प्रणाली शुरू कर दी थी, जो कि आज तक आपको पता है कि लंगर प्रणाली चली आ रही है, लंगर लगता है। विच वेद टेल्स अबाउट मंत्र चैंट, कौन सा वेद मंत्र के जाप के बारे में बताता है? वो बताता है आपको ऋग वेद।
अच्छा ऋग्वेद के बारे में एक और बात पूछा जा सकता है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद, तो ये भी है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इन विच ईयर फर्स्टली फाइव ईयर प्लान स्टार्टेड, किस वर्ष में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, 1951। सॉफ्टोमोटिव लिमिटेड इज द सब्सिडियरी ऑफ विच कंपनी, सॉफ्टोमोटिव लिमिटेड किस कंपनी की सहायक कंपनी है, तो ये भी बहुत फेमस कंपनी की सहायक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। चाइनीज ट्रेवलर हेशांग ने स्टडीड इन विच इंडियन यूनिवर्सिटी, जो चाइनीज यात्री है हेशांग वो किस विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया, किस विद्यालय में उसने पढ़ाई की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड लाहौर एज इज कैपिटल, लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन फिजिक्स का, प्रकाश की गति क्या है, तो इस प्रकाश की गति है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस ऑफिस यू हैव टू डू सेव एस, जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं एमएस ऑफिस में तो आप उसको किस कैसे सेव करते हैं, सेव एस से। सेव एस के बाद फिर आप बार बार उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो आप किस में करेंगे, सेव में। तो यहाँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है सेव एज और सेव, और कॉम्पिटिशन में दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे सेव एज और सेव, क्योंकि सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट हम करते हैं ना सेव, वो सेव एज में करते हैं। एक बार आपने सेव एज में कर लिया तो आपको वो उसका नेम पूछता है कि आप इस फाइल को क्या नेम देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर केवल आए टू सेव डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन, मतलब तो सेव ऑप्शन है। सपोज आप उस डॉक्यूमेंट में कोई काम कर रहे हैं और आपने एक बार फाइल के नाम से सेव कर लिया तो फिर आपको केवल सेव बटन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट, बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट आप एफएस ऑफिस में बना रहे हैं तो आपको सेव एस में सेव करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो अभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करके देख सकता है। फर्स्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट अराउंड द सन, सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बताया था कॉपरनिकस। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत के नेपोलियन के रूप में कौन जाना जाता है, समुद्रगुप्त। हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन के रूप में कौन जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद। हु गेव द स्लोगन मारो फ्रंगी को, किसने दिया था मारो फ्रंगी को, ये नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसके द्वारा कहा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल। हु सेड जय जवान जय किसान जय विज्ञान, किसने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने। पहले नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन उन्होंने बाद में क्या लगा दिया इसमें, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, किस साल में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, सबने महात्मा गांधी की जीवन शैली के बारे में पढ़ा होगा, 1869। क्रेडिट ऑफ एंडिंग सती सिस्टम फाइनली गोज टू हूम, बहुत फेमस क्वेश्चन हिस्ट्री का, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय अंत में किसके पास आता है, राजा राम मोहन रॉय। सती सिस्टम क्या होता था, सती सिस्टम में जब भी किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था, जिस जो एक कुप्रथा के रूप में जाना जाने लगा, और इस कुप्रथा का समापन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी जी, देखिए महात्मा गांधी जी का रियल नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी जी को महात्मा का किताब किसने दिया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर। हु इज नोन एज कायदे आजम, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है एमएसडी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी एमएसडी की फुल फॉर्म है मोहम्मद अली जिन्ना। हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग का लेखक, महात्मा गांधी। जैसा कि आपको पता है नॉन वायलेंस अहिंसा के पथ पर और सत्य के पथ पर चलने वाले थे, तो इनका ऑथर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है, फिल्म। बहुत ईजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बहादुरी पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है, कालिदास।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? बहुत सबको पता है, जब भी हम कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं आजकल तो फर्स्ट सेकंड क्लास से हम पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उसमें यही लिखा रहता है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, आधुनिक कंप्यूटिंग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? अभी आपने पढ़ा था फादर ऑफ कंप्यूटर की बात हो तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन अगर मॉडर्न लग जाए उसके आगे मॉडर्न कंप्यूटिंग तो यह बात होती है एलन ट्यूरिंग की। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान से देखना है, अगर सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर है तो चार्ल्स बेबेज, और अगर आगे मॉडर्न लग जाए मॉडर्न कंप्यूटिंग का तो एलन ट्यूरिंग। द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड इनटू द स्पेस, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था उसे किस ईयर में लॉन्च किया गया, यानी पहला भारतीय उपग्रह, सैटेलाइट को हम हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, किस वर्ष में प्रक्षेप किया गया, लॉन्च किया गया, लॉन्च को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपित, 1975 में। इन विच डेट वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे, हम किस तारीख में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? 8 मार्च। दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, दुरंत कप किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, नेशनल गेम भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। विच कंट्रीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टू करेंसीज, किस देश की अर्थव्यवस्था दो मुद्राओं पर आधारित है? चीन, चाइना। जी हाँ, चाइना यानी कि दो करेंसी यूज करता है, जैसे कि इंडिया में केवल एक ही करेंसी यूज होती है रुपा, लेकिन चाइना कौन सी यूज करता है? दो करेंसी। इन इंडी इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज बीन अप्रूव, संविधान की 8 अनुसूची में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी गई है? 22। हु इज नोन एज भारत कोकिला, भरत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू। हु इज स्टेबलाइज्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, VHU जिसे आप कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। वेयर इज विवेकानंद स्मारक सिचुएटेड, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। हु हैड कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की संरचना किसने पूरी की थी? इल्तुतमिश। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन, भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई क्या है? 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर। हु बिल्ट GT रोड, GT रोड मीन्स ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी। वेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन, फिर से यह विटामिन का क्वेश्चन आ गया, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन B1। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ह्यूमन इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन, मानव वांछपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फिर से विटामिन का क्वेश्चन, विटामिन ई। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, अब देखिए केमिकल नेम भी आ गया, विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, इसका रासायनिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है, कैल्सिफोलर कैल्सिफेरोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, यानी कि अब उल्टा हो गया, अभी आपसे पूछा था विटामिन का नेम, अब आपसे पूछ रहा है ये एक आपको नेम दे दिया है कैल्सिफोरल, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का, यानी कि कैल्सिफोरल किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? विटामिन डी। वी ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे ऑन विच डे, हम किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं? 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी। रेड ब्लड सेल RBC मेड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, यानी लाल रक्त कोशिकाएं RBC जिसे हम बोलते हैं शरीर के किस हिस्से में बनाई जाती हैं? वॉन मैरो, यानी कि वॉन मैरो का हिंदी में क्या नाम है? अस्थि मज्जा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो समझ ले, वॉन मैरो को क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई सपोज टू डोनेट, नेत्र दान में किस हिस्से में दान होता है? कॉर्निया।
मतलब कौन सा हिस्सा दान होता है आई का? कॉर्निया. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 42 NDA. कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स इन विच ईयर? कांग्रेस किस साल दो हिस्सों में बटी थी? 1907. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बॉर्न फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स? तो किस देश ने फीफा विश्व कप अधिकतम समय जीता है? ब्राजील. ओके. इन विच ईयर फीफा वॉज स्टेबलाइज? किस वर्ष फीफा की स्थापना हुई? 1904, यानी कि 1904 में. हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा. हु हैज द पावर टू कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष. अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? क्रिकेट विश्व कप 2015 किस देश में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया. विच आर्टिकल वॉज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के संविधान से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा था? अनुच्छेद 35A, यानी कि आर्टिकल 35A. विच कंट्री इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर? चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा देश है? देश की बात हो रही है यहाँ, कौन सी कंट्री? मैक्सिको. मैक्सिको में सबसे ज्यादा सिल्वर को प्रोड्यूस किया जाता है. वी ऑब्जर्व वर्ल्ड अर्थ डे ऑन विच डेट? 22 अप्रैल. हम किस तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल. ये जो वर्ल्ड डे है ना, दिवस, किसको किस दिन मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं जितने भी कोशिश करूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है सब कवर करवा रही हूँ आपके. फ्लावर वैली सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फूल घाटी जिसे बोला जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड. होपमैन कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? होपमैन कप किस खेल से जुड़ा है? टेनिस. देयर आर हाउ मैनी कीज इन अ विंडो कीबोर्ड? विंडो कीबोर्ड में कितनी चाबियां हैं? 104. व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ अ आरबीसी? अच्छा, रेड ब्लड सेल्फ की लाइफ स्पेन क्या होती है? आरबीसी का जीवन काल क्या है? 120 डेज, 120 दिन. विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर. कलेजी. हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपर कौन है? डेनिस रिचे. यूनेस्को गिव्स कलिंगा अवार्ड इन विच फील्ड? यूनेस्को किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है? विज्ञान, यानी कि साइंस. इन विच ईयर यूट्यूब वॉज स्टेबलाइज्ड? किस वर्ष में यूट्यूब की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप यूट्यूब की हेल्प से ही पढ़ रहे हो और बहुत ही फेमस हो गया यूट्यूब हर तरह की हेल्प में. किसी भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यूट्यूब से, इतनी वीडियोस आजकल अवेलेबल रहती हैं. तो उसकी स्टेबलाइशमेंट कब हुआ? 2005. कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन फॉर फुल फ्रीडम इन विच प्लेस? कांग्रेस ने किस जगह पर पूरी आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? लाहौर. वेन वॉज चार मीनार स्टेबलाइज्ड इन हैदराबाद? हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना कब हुई थी? 1591 AD, 1591. व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच थिंग? व्हाइट रिवॉल्यूशन को बोलते हैं श्वेत क्रांति. श्वेत क्रांति किस चीज से जुड़ी हुई है? मिल्क, दूध. इन विच ईयर नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज इन इंडिया? किस वर्ष में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? 1962. हाउ मैनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज इन इंडिया येट? भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? 0, यानी कि 0. इसकी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. फर्स्ट स्टेट विच हैज बीन स्टेबलाइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज? पहला राज्य जो भाषा की ओर से स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश. काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसाम. विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के साथ कौन सा लेख जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 74, यानी कि आर्टिकल 74. विच सिटी इज नोन एज
चटोरो का शहर, किस शहर को चटोरो के शहर के नाम से खाया जाता है? यानी चटोरे का मतलब आप सब समझते हो, जहाँ खाने खाने का ही होता रहता हो, यानी कि खाने की होती हो, डिफरेंट डिफरेंट आइटम बनते हो, समझ गए ना आप? चटोरा, जैसे कोई बहुत ज्यादा खाते है तो बहुत ही चटोरा है, तो किसे कहा जाता है चटोरा का शहर इंडिया में? इंदौर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज ब्रास सिटी? तो पीतल शहर किसे के रूप में जाना जाता है? मुरादाबाद। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लॉक्स? अच्छा, अब तो ब्रास उसकी तो बात हो गई, अब कौन सा शहर ताले के शहर के रूप में जाना जाता है? सिटी ऑफ लॉक, अलीगढ़, यानी कि यहाँ के ताले बहुत फेमस होते होंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर? मेक इन इंडिया परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2014 में। हु इज नोन एज देश बंधु? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सी आर दास। देयर आर हाउ मेनी स्पोक्स इन अशोका चक्र? सबको पता है अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं, यानी कितनी तीलियां होती हैं? 24। राउंड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच वेजिटेबल? देखिए, अभी आपने पढ़ा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राउंड यानी कि गोल क्रांति किस सब्जी से जुड़ी हुई है? पोटैटो, आलू से। सिलाव खाजा इज अ फेमस स्वीट डिश ऑफ विच स्टेट? सिलाव खाजा किस राज्य की प्रसिद्ध मीठी डिश है? बिहार। वॉट इज द एंशियंट नेम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का प्राचीन नाम कौन सा है? सिलोन। हु इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम, पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। हु हैड डिस्कवर्ड विटामिन? अच्छा, अब इतने सारे हम विटामिन के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन किसने विटामिन की खोज की थी? फंक। मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कितनी बार हमला किया? अभी आपने पढ़ा था पहला मोहम्मद इन्वेडर यही था मोहम्मद बिन कासिम, कितनी बार हमला किया? केवल एक बार, वन टाइम। देयर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। विच इज द स्मॉलेस्ट वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी। हु हैज बिल्ड इलाहाबाद फोर्ट? इलाहाबाद किला किसने बनाया था? जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस कंप्यूटर? पहले अविभाज्य कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबको पता है सोलर सिस्टम पढ़ते आए हैं फिफ्थ क्लास से, फोर्थ क्लास से, बुध ग्रह यानी कि मरकरी पढ़ते हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यही पढ़ते आए हैं, ठीक है। अगर सेकंड नियरेस्ट पूछे तो वीनस, कैलकुलेट आप कर लेना। थर्ड पूछे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेना। कुचिपुड़ी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कुचिपुड़ी किस राज्य से जुड़ी है? आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज? भारत की कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 65%, 65%। हु इज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का राजनीतिक नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी? आईसीसी का मुख्यालय क्या है? दुबई। व्हाट इज द नेम ऑफ अफगानिस्तान्स पार्लियामेंट? अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड? अब गोल्ड की बात आ गई, अभी सिल्वर का क्या पढ़ा था आप लोगों ने? मैक्सिको। तो सोने का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है? चीन, चाइना, यानी कि सिल्वर का मैक्सिको और गोल्ड का चाइना। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? यह है स्टॉकहोम में। व्हीलर आइलैंड इज नाउ नोन एज बाय विच नेम? व्हीलर द्वीप अब किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम द्वीप। इन विच ईयर इसरो वॉज स्टेबलाइज? किस वर्ष में इसरो की स्थापना हुई? 1969।
कथकली इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है? केरल। कोपा अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कोपा अमेरिका कप किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ क्या है? कोलकाता। विच स्टेट इज नोन एज स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया? किस राज्य को स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? एमपी, मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज मैक्सिमम फॉरेस्ट इज सिचुएटेड? भारत के किस राज्य में अधिकतम वन स्थित है? तो इसका जवाब भी क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी। अच्छा, यही एक रीजन है इसलिए इसे सोता हुए शहर यानी स्लीपिंग के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले क्या क्वेश्चन पूछा था? स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इसका जानने का रीजन भी है क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट है, अधिकतम वन है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन प्रॉम्प्ट? रन प्रॉम्प्ट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है? विंडो प्लस आर। विच ग्लास इज यूज इन किचन पॉट? यानी जितने भी आपके बर्तन है किचन पॉट में कौन सा ग्लास इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी आपके ग्लास, कटोरी, जो भी आप यूज करते हो क्रॉकरी का सामान, पायरेक्स ग्लास। विच इज द हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा इसे, कर्नाटक। विच फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम टू स्कोर सेंचुरी इन टेस्ट फॉर्मेट? टेस्ट फॉर्मेट में शतक लगाने वाले कौन से पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे? सबसे पहले शतक लगाया था लाला अमरनाथ। GOI हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर COVID-19? भारत सरकार ने COVID-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की? ₹15,000 करोड़। लास्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट वीडियो का, G7 नेशन वॉज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर? G7 राष्ट्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1975। तो फ्रेंड्स, 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं 200 के आगे से 200 क्वेश्चन और करवाऊंगी, जैसा कि मैंने बोला था फर्स्ट कि 5 वीडियोस में इसकी बनाऊंगी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताइए, या कोई और भी क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हो कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बताना है तो बताइए, मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो जरूर बताऊंगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सेशन में अगले जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।